सुनिए, हम दे रहे हैं अभिव्यक्ति की आजादी। नहीं डालेंगे ये बाइट है जिगरा, आपके सर्टिफिकेट की मुझे जरूरत नहीं है। गजब बेइज्जती है, बोलने नहीं दे रहे, बोलने दीजिए पूरा, बोलने दे, बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल। एक गाइस फिर से वीडियो लेके आ चुका हूँ दिल्ली के दीपक के ऊपर, और इस दिल्ली के दीपक को पत्रकार महोदय ने एक्सपोज करके रख दिया है, और कैसा एक्सपोज किया है इसके लिए पूरी वीडियो को जरूर देखें, पूरा मजा आने वाला है, वीडियो एंटरटेनमेंट होने वाले है, तो वीडियो शुरू करते हैं, आइए देखते हैं। अगर आप संविधान समर्थक हाँ। हैं तो आप हिंदू राष्ट्र के समर्थक नहीं हो सकते, संविधान कहता है सेक्युलर। बात तो सही है। सर्टिफिकेट सुनिए, हम दे रहे हैं अभिव्यक्ति की आजादी। डालेंगे ये बाइट है जिगरा 100%। अगर गुरु के सगे हो तो ये बाइट डाल देना। कौन गुरु? जैसे केजरीवाल गुरु का सगा नहीं है, यहाँ जो आंदोलन चल रहा है मेरा कोई गुरु नहीं है, यहाँ जो आंदोलन मेरा कोई गुरु नहीं है। आंदोलन को घुमा के आप आरएसएस के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे थे, आपने चिल्लाना शुरू कर दिया इंडियन फ्लैग। आप आइए, अगर सर आपके खिलाफ आपको कोई बात है, आपके सर्टिफिकेट की मुझे जरूरत नहीं है, आपके सर्टिफिकेट की मुझे जरूरत नहीं है। ये पीएफआई अगर बैन हुआ है आपको दिक्कत है उससे? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर है तो आप कैमरे के आगे बोलिए, और अगर कोई परेशानी, अब आप ये बाइट नहीं डालेंगे। सुनिए मैं आपकी बात पूरी बात डालूंगा, मैं यही चाहता था कि आप, अब मेरी बात सुनिए पूरी बात डालूंगा, लेकिन कोर्ट के थ्रू ऑर्डर आया है हाँ। अगर आपको संविधान पे विश्वास नहीं है बाबा साहब अम्बेडकर के हाँ। तो कैमरे के आगे बताइए कि मेरे को बाबा साहब अम्बेडकर के हाँ। एक पत्रकार संविधान से बड़ा नहीं हो सकता, इस देश में प्रधानमंत्री भी, अगर आप संविधान समर्थक है ना, बोलने नहीं दे रहे, बोलने दीजिए पूरा। हाँ आज तो तेरी आवाज दबाई जा रही है ना, आज तो यही बोलेगा ना तू, जब दूसरे को नहीं बोलने देते जब कुछ नहीं होता तेरे को, अभी तो रुक, तेरे साथ क्या होता, तेरा तेरी इज्जत का फुल उदान वक्त। अगर आप संविधान समर्थक हैं हाँ, तो आप हिंदू राष्ट्र के समर्थक कभी नहीं हो सकते। हिंदू राष्ट्र के लिए नहीं बोला जा रहा है, हिंदू राष्ट्र के लिए नहीं बोला जा रहा है, हिंदू तो अगर आप संविधान समर्थक हैं तो आप हिंदू राष्ट्र के समर्थक नहीं हो सकते, संविधान कहता है सेक्युलर। जली ना तेरी भी जली ना, हमारे संविधान की वजह से सुनने की क्षमता है, आप में है क्षमता है, आप में पत्रकार कौन है और प्रवक्ता कौन है पहले तो ये बताइए, प्रवक्ता आप हो, आप हिंदू राष्ट्र, तो ये माइक किसकी तरफ होना चाहिए? अगर तुम्हारी तरफ ही माइक होगा तो आप तो यही कहोगे कि भैया मैं ही बोलूंगा, मैं ही कानून हूँ। आज तो बहुत बुरा लग रहा है, और दिन तो नहीं लगता तेरे को बुरा, जब और की मोए मोए करता है तू, और माइक नहीं छोड़ता, माइक ले लेके भागता है अंधभक्त। बोले जा रहे हाँ, तो ये एक काम करो ना, ये आप अपने पास कर लो, हिंदू राष्ट्र के समर्थन है, हिंदू राष्ट्र का समर्थन बता तो रहा हूँ है ना, सुनने की क्षमता तो रखो, आप अपनी तरफ से है ना, है ना, खुद बोल बोल के बुलवा रहे हो। जली ना तेरी भी जली ना। हिंदू राष्ट्र की अगर कोई बात कर रहा है तो अभिव्यक्ति की आजादी है, वो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से अपनी मांग कर सकता है, 56 इस्लामिक कंट्री है, पूरे विश्व में एक ही हिंदू राष्ट्र बचा है, अगर वो मांग रख रहे हैं वो उनकी अभिव्यक्ति की आजादी है, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से अगर वो मांग पूरी होगी, ठीक है, अगर वो मांग पूरी होगी, अब आप बोलने नहीं दोगे, पता क्यों? क्योंकि फिरकी यहीं से शुरू हो गई आपकी, मैं बोल रहा हूँ तो बोलने नहीं दोगे। मैं सवाल ऐसे पूछ दूंगा आप नहीं बोल पाएंगे। बात बताऊं, आपके अंदर जितना गुदा है, आप वो सवाल पूछो उसका जवाब ना दूं, ठीक है, तो दोबारा दीवारा कैमरे के आगे दिल्ली का दीपक नहीं आएगा। पूछो, डन, सुनिए शालीन बात करते हैं, आपने कहा कि भैया मांग उठाई जा सकती है, पूरी तरह के समर्थन करता हूँ आपका, ठीक है, बिल्कुल, लेकिन जो मांग उठाई जा रही है जी, उस पर सवाल करना मेरा काम है कि नहीं है? जवाब मैं दूंगा ना भाई साहब, तो भैया सवाल को गलत थोड़ी फहरा दोगे। आरएसएस को आप कह रहे हो कि क्या आरएसएस को भी बैन करना चाहिए, क्या करना चाहिए कि नहीं? बता तो रहा हूँ आपको, अरे मैं बता रहा हूँ उसका जवाब दे रहा हूँ। अच्छा। अगर आपको लग रहा है आरएसएस में कोई देश विरोधी गतिविधि है, और अगर आपको लगता है शाखा वाले जब बाढ़ आती है, जब जगह जगह कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो जब वहाँ पर खाने का पैकेट देने जाते हैं, उनकी सेवा करने जाते हैं, तो क्या आप पत्रकार वहाँ, क्या आप अपने पत्रकार जो है, नहीं मैं नहीं गिरूंगा, सरकार गिर गई है कांग्रेस की, तो क्या आपका पत्रकार को जाके ये दिखाता है कि ये शाखा वाले जो है ये मानवता को पहले, हाँ दिखाना भी चाहिए, बिल्कुल बढ़िया बताऊंगा हाँ। आपको मैं बढ़िया बताऊंगा और वेल एंड गुड बताऊंगा, ठीक है, अब आपने हमारी बात पूरी सुनी नहीं, उसमें आधी रोटी में दाल लेके आप चढ़ गए।
गाइस वीडियो का होगा एंड कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसे लगे। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें।